जितने ऑडिशन जितने रियलिटी शोज में मैं जा चुका हूँ जितना रिजेक्शन मैंने फेस किया होता शायद इसलिए किया होगा और मैं उनके साथ बिल्कुल एम्पैथाइज कर पाऊंगा सो आई थिंक आई कैन बी देयर फ्रेंड देयर पार्टी फ्रेंड फिलोसोफर गाइड व्हाटएवर एंड आई विल बी विद देम Okay, and this is just one question. I just want a reaction from the two of you. How important do you think is the road safety for the youth today? Road safety. I think that's very irrelevant. We need to... Yeah. Hi, I am Shumar. So basically this show is based on talent, correct? So, and you belong to a non-filmy background. So my question is basically, right now in Bollywood, what does it matter exactly? Talent or filmy connection? Whatever you are right now, it's totally because of talent, correct? So right now in Bollywood, what is going on basically? Filmy background connection or talent? A lot of filmy people are very talented, probably more talented than me. I think it's difficult to generalize that. But I think it's also the opportunity. You should get the right opportunity, be at the right place at the right time. And I think this is the age where it's open to all, it's beyond nepotism. You know, even if you're decently talented, you have the potential to be an actor on the silver screen to get the right opportunity. I would really like to say something to you, sorry. I just wanted to say that whether you have a filmy connection or not, you have to be talented. I'll tell you why. Because your mothers and fathers are not watching the film and buying those tickets. It's the audience. And audience doesn't care who your father or mother or sister or brother is. So I think only talent counts in this industry, nothing else. Absolutely. Very well, sir. Ayushman, hi. This is somebody here from Ayushman second, please. Yeah. You waited 2 hours, yeah. Okay. Can I? Yeah. Okay. Ayushman, do you think कि एक शो में ऑडिशन करने से बिना बने से आपको करियर में बहुत कुछ फायदा आगे हो सकता है? You agree on this? मुझे लगता है काफी ऐसे भी एक्टर हैं या फिर ऐसे परफॉर्मर्स हैं स्क्रीन पर जिनको रिजेक्शन ज्यादा मिली है एक्सेप्टेंस से मुझे ज्यादा रिजेक्शन मिली है एक टैलेंट जो जीता है वो एक रियलिटी शो जीता है वो रिलीज है उसका टैलेंट से कोई लेना देना नहीं इनफैक्ट वो एक्टिंग टैलेंट है ना टैलेंट हाँ परफॉर्मिंग टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है ऑफ कोर्स वो एडवेंचर शो है अब या फिर अपने दोस्तों के साथ एक डायरेक्ट ग्रुप डायरेक्ट डायरेक्ट उसमें कैसे एक्ट करते हैं उसके ऊपर बेस्ड है तो मुझे लगता है कि हाँ टैलेंट शो से ऑफ कोर्स अगर आपको राइट अपॉर्चुनिटी मिलती है या फिर अगर आप उस मोमेंट पर क्लिक करते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ यू अगर आप थोड़ा सा वीक पड़ जाते हैं कोई स्टेज पर कि आप अच्छा गाना ना गा पाए अच्छी एक्टिंग ना कर पाए इसका मतलब ये नहीं कि आप टैलेंटेड नहीं है एक एक परिस्थिति में सर्कमस्टेंस में हो सकता है कि आप नर्वस हैं आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए आई थिंक वहाँ पे डेस्टिनी अलग भी मैटर करता है तो मुझे लगता है इट्स क्वाइट रैंडम वर्ल्ड कि आर्टिस्ट का बहुत सब्जेक्टिव रिलेशनशिप होता है परफॉर्मेंस के साथ अभी विक्टर जी ने जैसे बोला था कि आप एक्टिंग को गेज नहीं कर पाते सिंगिंग को शायद फिर भी कर पाए डांसिंग को फिर भी कर पाए टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर शो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेज आई थिंक जजेस को बहुत मुश्किल होने वाली है विनर सेलेक्ट करने की क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब आपको एक्टिंग से प्यार हो जाता है एज एन एक्टर आप 100 फिल्में करना चाहते हैं लेकिन अगर ऑडियंस आपसे बोर हो गई है आप उसका कुछ नहीं कर सकते एंड आई थिंक ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो लोग एक्टिंग करना चाहते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है बिकॉज लोग उनकी टिकट नहीं खरीदते तो आई थिंक वो लक होना चाहिए वो प्यार होना चाहिए ऑडियंस में आपके लिए हार्डवर्क डेफिनेटली आप हार्डवर्क नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं होगा तो एक आई थिंक एक अमेलिनेशन होता है हर चीज का एंड बस फिर ऊपर वाला आपका ध्यान रखेगा So we are going to end the open forum Q&A now.